पंखाजूर में लोगों की समस्याएं जानने और उनका निराकरण करने के लिए बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार खुद को किसानों की सरकार कहती है लेकिन काम किसान विरोधी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पंखाजूर के बांदे और छोटी बेटियां में आम लोगों की समस्याओं को सुना और उनके उचित निराकरण का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक विक्रम देव सिंह, भाजपा नेता प्रतपाल सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लोगों से की। पूर्व विधायक विक्रम देव उसंडी ने कहा कि राज्य सरकार की नाफरमानी से जनता और किसान दोनों परेशान हैं। भूपेश बघेल सरकार किसानों का धान नहीं खरीद रही है, किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। बीजेपी नेता प्रतपाल सिंह ने कहा, वर्तमान सरकार कहने को किसानों की सरकार है लेकिन काम सब किसानों के विरोध में कर रही है। बांदे मंडल के अंतर्गत पीवी 101 में जनसंपर्क का कार्यक्रम था, वहाँ पर जनता से मुलाकात के साथ साथ अपनी बात और राज्य सरकार की जो विफलताएँ बहुत सारी उन बातों में अपनी बात रखने का वहाँ पर जनता से बात हुई। जनता में बड़ा नाराजगी है आज यहाँ पर कांग्रेस सरकार के प्रति, और जो छोटे बेठिया में जो भी कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में तो बहुत ज़्यादा वर्तमान में राज्य सरकार के प्रति, क्योंकि उस क्षेत्र में पिछले समय इस कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार जो धान खरीदने के जो 20 तारीख तक का लिमिट होने के बाद भी 19 तारीख 18 से पहले उनको कूपन जारी होने के बाद उनका धान नहीं खरीदा गया। सरकार क्या है कि अपने जब आई थी तो किसानों की हितेशी सरकार बोल के आई थी और आज इन्होंने टोटल जितने काम किए सब किसान विरोधी काम किए। उसी अध्याय में एक पन्ना ये और जुड़ रहा है कि किसानों की जो मेड़ है या वहाँ बोर है या बोर में जो घर बना है या कोई किसी ने छोटा मोटा तालाब बनाया है उस सबको उनकी ज़मीन से अलग करके ये दिखाना चाहती है कि इनको कम से कम धान खरीदना पड़े। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।